अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मखलूबा। ये ने टमाटर लिए हैं और प्याज, आलू और ये भी देख सकते हो बैगन एंड शिमला मिर्च, इन सबको मैंने फ्राई कर लिया है। आप भी इन सबको फ्राई कर लीजिए, या आप डीप फ्राई कर लें या उसको शैलो फ्राई कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने चिकन के 5-4 पीस लिए हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें चिकन ज़्यादा हो। और तेल आधा कप से भी कम मैं यूज़ करूँगी, और नमक टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच काली मिर्च, और ये स्पेशल मसाला है इसको भी मैं यूज़ करूँगी, और 1 चम्मच लिया मैंने। और ये देखिए काली मिर्च है ये, और लौंग मैंने लिए 3, और एक और दालचीनी का 1 पीस लिया है मैंने, थोड़ा सा धनिया, और 2 हरी मिर्च लिए मैंने ग्रीन चिली, इसको काट लिया है, और 1 प्याज चाहिए हमें, इसको भी मैंने काट लिया है। और ये देखिए हमें टमाटो पेस्ट चाहिए, और ये 4 कप पानी मैंने लिया है, क्योंकि 2 कप चावल है उसके हिसाब से मैं डबल पानी लूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए पतीला मैंने चढ़ा दिया है, इसमें तेल डालते हैं। तेल गर्म हो गया है अभी, तो हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। चलिए प्याज ब्राउन कर लेते हैं। चलिए लहसुन अदरक डाल लेते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। चिकन ऐड कर लेते हैं, और हरी मिर्च, चलिए ये मसाले भी हम डाल देंगे। धनिया ऐड कर लिया, एक मिनट के लिए और भून लेंगे इसको हम। चलिए चिकन भी हो गया अच्छी तरह से, अभी इसमें हम पानी डाल लेंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है और चिकन भी गल गया है, तो चलिए पहले चिकन को हम निकाल लेंगे। चलिए मैंने चिकन निकाल लिया है, अभी हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। ये बासमती राइस है, मैंने इसको पहले ही भिगा लिया था। चलिए इसे खुला ऐसे ही रख के हम इसको पकाएंगे, ऐसे एक 5 मिनट पकाएंगे। और गैस जो है मैंने फुल पे रखा हुआ है, अभी मैं इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी इसका ज़्यादातर सूख गया है, तो चले अभी हमारे वैसे ही 7 और 5-7 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम इसको दम पे रख देंगे। 7 से 8 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। तो चले जब तक ये चावल दम होते हैं, तब तक हम टमाटो पेस्ट है वो उसको रेडी कर लेते हैं। मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है, और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। अभी मैंने 1 लिया है टमाटो पेस्ट, अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे।
ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और अभी मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक और हल्दी और मिर्ची डालूंगी और बस हम इसको 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए और पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। चलिए मैं अभी चूल्हा बंद कर देती हूँ। चलिए 8 मिनट हो गए हैं, अभी देखते हैं चावल। ये देखिए चावल भी हो गए हैं, ये देखिए। चलिए अभी हम चावल को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, इसको मैं बस टमाटो पेस्ट इसमें डाल दूंगी। ये देखिए जो मैंने बनाया था हम इसमें डाल लेंगे। ये देखिए मैंने टमाटो पेस्ट में इसको सारा मिक्स कर लिया है। चलिए अभी हम इसमें एक साइड में रख देते हैं इसको। चलिए चिकन डाल देंगे और ये चावल। ये देखिए अभी जो पुलाव बनाया मैंने इसको और भी ले लिया मैंने थोड़ा सा, इसको हम ये ऐसे डाल देंगे। और आप चाहो तो जो वेजिटेबल है आप उसको डबल भी कर सकते हो, डबल लेयर, लेकिन मैंने एक ही लगाया है। आप और अच्छा लगेगा जब आप इसको डिश आउट करोगे। चलिए अभी हम इसको इस तरह से प्लेट रख लेते हैं और हम इसको पलटा लेंगे। चलिए ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स मखलूबा बनके रेडी हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।